वैश्विक बाजारीकरण के इस दौर में जहां एक ओर बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग मॉल्स की ओर रुख कर रहे हैं, तो वहीं ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते क्रेज ने खरीदारी की दुनिया को ही बदल दिया है। ऐसे में दुनिया भर की पारंपरिक बाजारें अपने अस्तित्व को बचाए रखने के जद्दोजहद में लगी हुई हैं। इन्हीं बाजारों में से एक यूपी की राजधानी लखनऊ में लगने वाला नक्खास बाजार, जो नवाबी दौर से ही अपनी एक खास पहचान बनाए हुए है, आज अपने स्वरूप को बचाने के लिए संघर्षरत है। देखिए, जो बाजार है नक्खास, यह नक्खास क्योंकि लखनऊ में दो बाजारें थीं, एक थी खास बाजार और एक थी नक्खास। नवाब आसफ़ुद्दौला ने 1775 में जब अपना कैपिटल फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया तो बहुत से पुराने जो फैज़ाबाद में मोहल्ले थे या नाम थे बाज़ारों के, उसके नाम लखनऊ में भी रखे और एक नाम उसका नक्खास भी है। कहते हैं एक ज़माने में इस बाज़ार में एक चोर बाज़ार भी लगा करती थी, जहां आसपास के चोर अपनी चोरी का सामान बेचने आया करते थे। आज भी यहां इस तरह के सामानों की बिक्री प्रायः देखने को मिल जाती है। बाजार के बीचों बीच स्थित जामा मस्जिद, जहाँ की पहली नमाज के बाद अल सुबह ही यहाँ दुकानें लगना शुरू हो जाती हैं। आसपास के शहरों और गांव से आए दुकानदार फुटपाथ पे ही अपना सामान सजाने लगते हैं। इन व्यापारियों और उनके परिवार के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत इस साप्ताहिक बाजार से होने वाली आमदनी ही है। ऐसे बहुत से दुकानदार हैं जो पीढ़ियों से इस बाजार में दुकानदारी करते आ रहे हैं। नए और पुराने बर्तनों के व्यापारी इलियास इन्हीं में से एक हैं। क्या है आप? मोहम्मद इलियास। क्या खास है इस मार्केट में, क्या बेच रहे हैं आप? हम यहाँ गए, चूल्हा है, कुकर है, रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग के काम के अलावा आप कब से इस मार्केट में? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से हैं आप इस मार्केट में। क्या खास है और कैसे कैसे कस्टमर आते हैं? हर मेल के कस्टमर आते हैं, हल्के भी आते हैं, भारी भी आते हैं, हर किस्म के आते हैं। 10 रुपया वाले भी आते हैं, 5 रुपया वाले भी आते हैं, 100 रुपया वाले भी आते हैं। इलियास का घर इसी बाजार के पीछे है। इनके परिवार में 18 सदस्य हैं, जिनका भरण पोषण इसी दुकान से होता है। लोग हैं आप, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? सब लोग जॉइंट फैमिली है अपना, सब साथ में रहते हैं। कितने लोग हैं आपके यहाँ? 17-18 जने। आपका क्या काम है? आप वही गैस का है? नहीं, गैस का नहीं, हम गाड़ी चलाते हैं। देखने में आम भारतीय बाजारों की तरह दिखने वाली यह साप्ताहिक बाजार कम कीमत पे खरीदारी करने के शौकीनों की पसंदीदा जगह है। इस बाजार को और खास बनाती है इसमें लगने वाली कबाड़ी बाजार, जहां पर आपको ऐसी वस्तुएं मिल सकती हैं जिन्हें और कहीं खोजना काफी मुश्किल होता है। इस बाजार की एक और खासियत है यहाँ की चिड़िया बाजार। यूँ तो इस बाजार में कबूतर, लाल, तीतर, बटेर, कौआ, मैना जैसी चिड़ियों की बिक्री होती है, लेकिन अक्सर प्रतिबंधित नस्ल के पक्षी भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं।
नखास के चौराहे के ऊपर एक चिड़िया बाज़ार है, वहाँ के ऊपर बहुत ही नायाब किस्म की चिड़ियाँ ये तो मिलती ही हैं। और आमतौर से जाड़ों के ज़माने में, उस ज़माने में तीतर है, बटेर है, मुर्गाबियाँ हैं, बत्तखें हैं, या पालने के लिए जो लोग खरगोश हैं, लाल चिरकुवे, डॉक्टर, जो इस तरह की चिड़ियाँ पाली जाती हैं, या लव बर्ड्स हैं। और एक चीज़ और, कव्वे, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता था कि जो लोग सदका उतरवाते थे तो वो नखास जाके कव्वे अपने ऊपर से उतरवाते थे, यानी आज़ाद करवाते थे। तो अब धीरे धीरे जब से ये कंडीशंस लगने लगी हैं वाइल्ड लाइफ वाली, तो पकड़ धकड़ होती है, लेकिन फिर भी नखास के चौराहे पर वो चिड़िया बाज़ार जो है अभी भी बहुत पॉपुलर है, और वहाँ के ऊपर काफ़ी नायाब बर्ड्स जो हैं वाइल्ड लाइफ की वो मिल जाया करती हैं। लगभग 1 किलोमीटर में फैली इस बाज़ार में बर्तन, कपड़े, कबाड़ और मछली बाज़ारें हैं, तो वहीं खान पान की भी पूरी व्यवस्था है। इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में नीम हकीम और जड़ी बूटियों के खरीदारों की संख्या भी कम नहीं हुई है। समाज हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर संस्कृति, कोई भी समय की गति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा है। बस बदला है तो इन बाजारों का स्वरूप, मगर इनकी अहमियत आज भी उतनी ही बरकरार है। Thank you.